मुजफ्फरनगर जनपद में खेलो इंडिया टीम की प्रभात फेरी को डीएम अरविंद मलपप्पा बंगारी ने हरी झंडी दिखाकर शुरू किया। रैली मुजफ्फरनगर के मुख्य मार्गों से होते हुए चौधरी चरण सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में पहुंची। स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेलो इंडिया के तहत कबड्डी, कुश्ती, जूडो, कराटे सहित अन्य खेल शुरू कराए। उसके पश्चात मुजफ्फरनगर के महावीर चौक स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में प्रभात फेरी पहुंची, जहां पर छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम किए। का उद्देश्य जो है वो खेलों के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए है। हम हर डिस्ट्रिक्ट में को कवर करेंगे, 20 डिस्ट्रिक्ट टोटल हमें कवर करने हैं। ऐसी चार मशालें निकली हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ से चार मशालें निकली जो कि यूपी के लगभग सभी जिलों को कवर करेंगे। आप कौन से विभाग से संबंध रखते हैं? हम खेलो इंडिया मैनेजमेंट टीम की तरफ से आए हैं। हम यहाँ प्रतिनिधि के रूप में, खेलो इंडिया के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। मशाल जुलूस का क्या उद्देश्य? मशाल जुलूस का उद्देश्य यह है कि खेलों के प्रति लोगों में जागरूकता लाएं और लोगों को प्रोत्साहित करें कि वो खेलों में भाग लें। क्या क्या कार्यक्रम आज किए गए? आज यहाँ पर सबसे पहले तो सुबह आने के बाद हमने रैली स्टार्ट करी। यहाँ के मुजफ्फरनगर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब आए थे, उन्होंने फ्लैग ऑफ किया। उसके बाद हमने अपनी रैली शुरू करी और रैली हमारी स्टेडियम पर पहुँच करके उसके बाद हमने वहाँ पर कई कार्यक्रमों को, कबड्डी और कई खेलों को खेलों में सम्मिलित हुए। तत्पश्चात हम लोग यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम्स के लिए आ गए हैं। यूनिवर्सिटी में भी जाएगी जी? यूनिवर्सिटी में भी जाएगी? नहीं नहीं, जो खेलो इंडिया गेम्स हो रहे हैं इसमें ऑल ओवर इंडिया 200 यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से 4705 बच्चे भाग ले रहे हैं और ये हमारा तीसरी बार हो रहा है इंडिया में। और यूपी में हम पहली बार कर रहे हैं, यूपी पहली बार होस्ट बना हुआ है।